प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रभाव से आम जन को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर पहल शुरू कर दी है, जिसे मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस के सभागार में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में डेंगू से निपटने के लिए मंथन किया और मंत्री ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को समुचित निर्देश भी दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जनता से अपील की कि डेंगू को लेकर पैनिक ना हो, आम वायरल बुखार में भी प्लेटलेट्स घटता है। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर स्थिति लगभग नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि नगर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एंटी लार्वा का छिड़काव करने का निर्देश जारी किया गया है, जो कि अगले 20 से 25 दिन तक लगातार जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अयोध्या की सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरह का पैनिक ना लें। ये भी देखने में आ रहे हैं कि जो आम वायरल बुखार है उसमें भी प्लेटलेट घटती है, तो किसी भी तरीके का पैनिक ना लें। स्थिति लगभग पूरी तरीके से नियंत्रण है। जो छिड़काव है लार्वा, एंटी लार्वा छिड़काव, उसकी भी व्यवस्था हम लोग पूरा, नगर निगम के लोग भी थे, अधिकारी भी थे उनके साथ भी, पंचायत राज विभाग के भी अधिकारी थे उनके साथ भी बैठे थे कि पूरे शहर में और ग्रामीण इलाकों में भी इसका एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था अधिक से अधिक मात्रा में हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें और अगले 20-25 दिन तक रोज जो है।